हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश कुमार, आप देख रहे हैं आईसी न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि खोया हुआ पैन कार्ड अप्लाई किए थे वो बन के आ चुका है। जैसा कि आप देख पाएंगे, 10 दिन का टाइम लगा है और वो बन गया है। तो उसका ई पैन कार्ड हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कैसे डाउनलोड करना है और उसे कैसे देखना है आप देख सकते हैं। आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है एक महीने के अंदर आ जाता है, लेकिन जो ई पैन कार्ड है वो आपको 10 दिन में आपको ईमेल आईडी में प्राप्त होता है। अगर आप खोया हुआ पैन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करना नहीं जानते हैं, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख लेंगे। तो चलिए हम आपको ईमेल आईडी में आपको दिखाते हैं किस तरह से वो पैन कार्ड आएगा और उसे कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, आप जब भी पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी ज़रूर डालेंगे। यहाँ पर देखिए, मेरा जो ईमेल आईडी है वो ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूटीआई की तरफ से एक मेल आया है, जो ई पेन यहाँ पर लिखा हुआ ई पेन, और 27 नवंबर को ये मेल आया है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन नंबर है। जब अप्लाई किए थे पैन कार्ड तो यही एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर था। तो यहाँ पर आपको दिया गया है पासवर्ड। जब आप पैन कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें किस तरह से पासवर्ड आपको देना है, यहाँ पर देखिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड रहेगा। डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आपका लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे आपको इस तरह का पासवर्ड तैयार करना है। यहाँ पर डॉट या ओब्लिक नहीं देना है, आपको सभी साथ में अटैच कर देना है डेट ऑफ बर्थ को, ऐसा आपको टाइप करना है तो ही आपका पैन कार्ड दिखाई देगा। तो चलिए, नीचे आप जैसे जाएंगे तो इस तरह से आपका यहाँ पर पीडीएफ में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, मेरा तो डाउनलोड किया हुआ है। तो देखिए, आप इसे देखने के लिए पीडीएफ फाइल में आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। और ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए, इस तरह का आपका ई पैन कार्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ई पैन यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपका नाम, पिता नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पैन कार्ड रहेगा, इसे आप कटिंग कर सकते हैं और कटिंग करके आप इसे कहीं भी दे सकते हैं। तो इस तरह का आपका पैन कार्ड बन के आ जाएगा। ये 10 दिन में आपका पैन कार्ड आ जाता है, आपका ईमेल में प्राप्त हो जाता है। और आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वह पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको एक महीने के अंदर आपके घर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको नया अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नया अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।